ये कहानी शुरू होती है डायना नाम की लेडी से, जो प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल आई हुई है। वो एक सिंगल मदर है और उसे ये सारी चीजें अकेले ही करनी पड़ती हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद अपने बच्चे की पहली झलक देखती है, तब रोने लगती है। उसके बच्चे ने समय से पहले ही जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था। यहाँ डायना के बच्चे को जो जो भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में उसे पता चलता है, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। सीन कट होता है और हम 18 साल बाद का समय देखते हैं, जहां पर डायना अपनी बेटी क्लोई के स्कूल में होती है। यहां आज पेरेंट्स मीटिंग है। सारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे अब स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, और वो इस बात को लेकर थोड़ा इमोशनल भी हैं। लेकिन यहां डायना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो सबसे कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत होशियार है, तो मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी पेरेंट्स को हल्का शॉक लगता है। तभी अगले सीन में हम क्लोई को देखते हैं, जो कि पैरालाइज है और उसके पैर काम नहीं करते, और वो 18 सालों से पूरी तरह से मेडिसिन पर जी रही है, जो कि वो हर रोज लेती है। यहाँ पर हमें एक चीज और पता चलती है कि क्लोई बचपन से इसी घर में रह रही है और उसने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी है और ना ही स्कूल गई है। डायना उसे शुरू से ही होम स्कूल कराती है, लेकिन अब क्लोई को कॉलेज जाना है क्योंकि उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। उसने कई कॉलेज में अप्लाई भी किया, पर हैरानी की बात यह है कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी कोई कॉलेज उसको एडमिशन नहीं दे रहा है, जिसके बाद वो सारी चीजें देखकर उदास रहती है। कुछ देर बाद जब डायना ग्रोसरी से कुछ सामान लेकर आती है, तो क्लोई उस बैग में चोकोस ढूंढने लगती है, और तभी उसे उस बैग में ग्रीन कलर की टैबलेट का बॉक्स मिलता है, जिस पर शॉकिंगली उसकी दवा पर माँ का नाम लिखा होता है। हो भी सकती है, क्योंकि अमेरिका में मेडिसिन जिस किसी की भी होती है उस पर उसका नाम लिखा होता है। अब रात होने पर यही बात उसने अपनी माँ से पूछा, तो वो कहती है कि ये तुम्हारी दवा है, असल में तुम्हारे डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दी है और अब से तुम यही खाओगी। तो वो कहती है कि इस पर तो आपका नाम लिखा हुआ है, मुझे लगा कि ये आपकी होगी। तो वो बोलती है कि नहीं, गलती से इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जिसके बाद वो इसे खा लेती है और सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद हम उसे जगा हुआ देखते हैं। उसके दिमाग में कुछ डाउट्स आ रहे थे। उसको जानना था कि ये मेडिसिन जिसे वो इतने सालों से खा रही है उसका यूज क्या है, उसे खाने से होता क्या है। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट करती है, और जब डायना घर से बाहर जाती है तो उसी ग्रीन टैबलेट को उठाती है और उसे देखने लगती है, लेकिन इस बार उस टैबलेट पर क्लोई का नाम था। लेकिन जब रैपर को हटाती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, उसके नीचे उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था। तो वो सोचने लगती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, वो किसकी दवा खा रही है, खुद की या फिर उसके माँ की। यानी कि सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। तब तक उसकी मॉम घर में आ जाती हैं और फिर क्लोई पढ़ने का नाटक करने लगती है। अब रात हो जाती है और क्लोई सोचती है कि क्यों ना इस मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया जाए। क्लोई धीरे से गूगल पर जाती है उसके बारे में चेक करने, पर हैरानी की बात ये थी कि उसके घर का इंटरनेट बंद कर दिया गया था। उसी दौरान हम क्लोई के पीछे डायना की परछाई को देखते हैं, जो कि उस पर नजर रख रही थी। हो सकता है उसी ने ही इंटरनेट बंद किया हो। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन डायना जब बाहर गार्डनिंग कर रही होती है, तो क्लोई मौके का फायदा उठाकर फार्मेसी को फोन करती है ताकि इस मेडिसिन के बारे में जान सके। लेकिन फार्मेसी ओनर को लगता है कि ये डायना बोल रही है, क्योंकि उन्हें उनका नंबर मालूम था। तभी क्लोई फोन कट कर देती है ताकि उसकी माँ को पता ना चल पाए। अब इसके बाद वो एक अननोन नंबर पर डायल करती है, जो कि एक आदमी उठाता है और वो शायद किसी से लड़ाई कर रहा था। क्लोई उसे रोते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे लिए गूगल सर्च कर सकते हो। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन क्लोई की आवाज सुनकर वो मान जाता है। क्लोई उसे दवा का नाम बताती है और पूछती है कि इसे कब खाया जाता है और ये किस काम में आती है। तो आदमी कहता है कि इस दवा का नाम है ट्राईऑक्सी और ये हार्ट फेलियर और बीपी कंट्रोल के लिए खाई जाती है। दिखने में रेड पिल की तरह होती है, लेकिन क्लोई के बिल तो ग्रीन थी। ये सुनकर शॉक हो जाती है कि क्या ये मेडिसिन उसको सही में ठीक कर रही है। अगले दिन वो डायना से जिद करती है कि उसे मूवी दिखाने ले जाए। बहुत कहने के बाद वो हाँ कर देती है। अब वो लोग मूवी देखने के लिए रेडी होते हैं और जाने से पहले क्लोई वो सारी टैबलेट्स रख लेती है
इसके बाद वो लोग थिएटर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद क्लोई बाथरूम का बहाना बताकर बाहर जाती है और थिएटर के सामने वाले फार्मेसी पर जाती है, और ये वही जगह थी जहां से डायना क्लोई के लिए सारी दवाई लेकर जाती थी। तो क्लोई को देखकर वहां की शॉप ऑनर पहचान जाती है, तो वो उसे वही टैबलेट देकर पूछती है कि क्या आप इसे बता सकते हैं कि ये किस चीज की है। लेकिन शॉप ऑनर उसे बताने से मना करती है, क्योंकि वो मेडिसिन उसकी मॉम के नाम पर थी और उसके बारे में बताना कॉन्फिडेंशियल है। और यहाँ पर क्लोई उसे झूठ बोलती है कि वो और उसकी माँ एक गेम खेल रहे हैं, जिसमें उसे टास्क मिला है कि उसे इस मेडिसिन के बारे में पता लगाना है। तो शॉप ऑनर मान जाती है और उसे बताती है कि इसका नाम ट्रायऑक्सिन नहीं है, ये मेडिसिन असल में डॉग के लिए है, ताकि वो उनके पैरों की मसल्स को स्ट्रांग बना सके और वो जल्दी से ग्रो हो जाएं। ये सुनकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके घर पर तो कोई डॉग नहीं है, पर उसकी मॉम इतने सालों से उसको ये मेडिसिन क्यों दे रही है। ये जानकर वो सदमे में चली जाती है, और यहाँ पर क्लोई बहुत तेज तेज सांस लेने लगती है, उसे घबराहट हो रही थी। डायना भी उस फार्मेसी तक पहुंच गई थी, लेकिन इससे पहले ही वो उस लेडी से पूछ लेती है कि अगर कोई इंसान इसे कंज्यूम करे तो क्या होगा। तब लेडी कहती है कि उसके लेग्स सुन्न हो जाएंगे और वो चल नहीं पाएगी। ये सुनकर क्लोई बेहोश होने लगती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ डायना आ जाती है और उसे इंजेक्शन देकर सुला देती है। पर आखिर सवाल ये उठता है कि उसे क्यों इतने सालों से एक डॉग की मेडिसिन खिला रही है। अब घर आने पर वो क्लोई का रूम लॉक कर देती है। इसके बाद वो फ्रेश होने जाती है, जहां पर उसके बैक पर कुछ अजीब से निशान दिखते हैं, जैसे उसे किसी ने मारा हो। थोड़ी देर बाद उस फार्मेसी ऑनर को कॉल लगाती है, उससे माफी मांगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फैमिली डॉक्टर को एक मेल भी लिखती है कि क्लोई की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसे सेंड करने से पहले वो ड्राफ्ट में डाल देती है। इसके बाद वो हाउस होल्ड नाइट्रोसिन जैसी चीजें सर्च करती है। अगले दिन कुछ सामान लेने के लिए निकल जाती है। तभी क्लोई जब सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका रूम तो लॉक है, लेकिन वो एक खिसियाई लड़की की तरह गरम रॉड लेकर उस रूम की खिड़की से बाहर आती है। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था और फिर उस रॉड से उस रूम की विंडो को तोड़कर अंदर आ जाती है और रेंगते हुए अपने रूम के पास जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि डायना ने उस रूम को ऐसे लॉक कर रखा था जैसे अंदर कोई चोर हो। अब क्लोई जैसे ही रूम के अंदर जाती है तो सबसे पहले वो इनहेलर लेती है और बाहर आकर व्हीलचेयर की हेल्प से नीचे जाने लगती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि डायना ने जाने से पहले उसे भी बंद कर दिया था, ताकि वो नीचे सीढ़ियों से भी ना जा सके। तो यहाँ पर क्लोई फैसला करती है कि वो बिना व्हीलचेयर के ही नीचे जाएगी। सबसे पहले तो वो अपनी व्हीलचेयर फेंक देती है और खुद को नीचे धकेल देती है, जिससे उसके पेट पर बहुत तेज चोट लगती है। यहाँ वो अपने पैरों को पहली बार फील करती है, जैसे उसके पैरों में जान आ गई हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो फिर से व्हीलचेयर पर बैठती है, और अब उसने बाहर का गेट खोल दिया था, और अब वो फौरन बाहर आती है और रोड पर भागने लगती है। भागते हुए उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था, तभी ड्राइवर ट्रक रोक देता है। और गौर करने वाली बात ये थी कि ट्रक ड्राइवर वही था जो क्लोई के कॉलेज के सारे लेटर्स देने आता था, जिस वजह से वो उसे पहचान लेती है और उसे सारी बातें बताती है कि उसकी मॉम उसे हर्ट करती है और आज तो हद हो गई, उन्होंने उसे रूम में लॉक कर दिया था। ये सुनकर टॉम उसे फौरन पुलिस के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उन दोनों की किस्मत खराब होती है। तभी वहां पर डायना आ जाती है और कार से उतरते ही वो रोना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। टॉम कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्लोई कहती है कि तुम उसे रोज मारती हो। तभी वो कहती है कि नहीं, उसके डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन चेंज कर दी है, तभी वो कुछ दिनों से ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे घर ले जाती हूँ। लेकिन टॉम नहीं मानता है और कहता है कि हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसे चोट भी लगी हुई है। इस बात पर डायना मान जाती है, पर जब वो पीछे मुड़ता है तो डायना उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। और अगले सीन में क्लोई को उसके बेसमेंट में लॉक हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे पेपर के नीचे कुछ दबे हुए लेटर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो फिर से शॉक हो जाती है। बेचारी को पता नहीं कितने शॉक मिलेंगे। ये लेटर दरअसल उसके कॉलेज से आए थे, वो उसको एडमिशन के लिए बोल रहे थे,
पर आज तक डायना उससे झूठ बोलती रही कि उसका कोई लेटर नहीं आया है, कोई कॉलेज उसे लेना नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्लोई की नज़र एक फाइल पर जाती है जिसे शायद किसी ने छुपा कर रखा हुआ था। क्लोई उसे बाहर निकालती है और यहाँ खुलते हैं कहानी के असली पत्ते, जो कि उसे और हमें दोनों को शॉक कर देते हैं। क्लोई को वहाँ पर एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि उसी के नाम पर था, और उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि एक पेरेंट्स का बच्चा खो गया है और वो सभी से मदद मांग रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। और यहाँ से कहानी आती है 18 साल पहले, जब डायना ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। पर यहाँ बच्चे को जन्म देते ही वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाया था, और उसी हॉस्पिटल में क्लोई को एक बच्ची की फ़ोटो मिलती है जिसकी लेग पर एक नोट चिपका था जिस पर लिखा हुआ था क्लोई। जब उस नोट को रिमूव करती है तो उस बच्ची के पैर सही सलामत थे। उस दिन हॉस्पिटल में जब डायना का बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया, तब उसने बड़ी ही चालाकी से एक दूसरे बच्चे को चुरा लिया और उसका नाम उसने क्लोई रखा। ये उसी बच्चे की पिक थी, यानी कि क्लोई के पैर बचपन से खराब नहीं थे, वो बिल्कुल हेल्दी थी। लेकिन डायना ने जानबूझकर उसे गलत मेडिसिन दी ताकि वो चल ना सके और उससे कभी दूर ना जाए। अब यहाँ पर क्लोई को सब कुछ समझ आ चुका था। ये जो उसके साथ इतने सालों से हो रहा था, डायना उसकी माँ नहीं थी, उसके असली पेरेंट्स तो कोई और ही थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायना ने टॉम को मार दिया है और उसकी बॉडी को जंगल में गाड़ देती है, और ये सब करने के बाद वो नीचे बेसमेंट में आती है। पर तब तक क्लोई को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। लेकिन उसके आते ही क्लोई उससे पूछती है कि क्या मैं बचपन से ही बीमार थी या आपने मुझे बीमार बना दिया। तो डायना कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारा बचपन से ख्याल रखा है। तो क्लोई उसे उन कॉलेज के लेटर्स के बारे में पूछती है, तो डायना उससे झूठ बोलती है कि ये सब फेक है, मैं ही तुम्हारी असली मॉम हूँ और मैंने तुम्हें सबसे बचाया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसी बेसमेंट में एक लिक्विड को इंजेक्शन में फिल कर रही थी। ये लिक्विड असल में न्यूरोटॉक्सिन से बना हुआ था, जिसे लेते ही क्लोई अपनी सारी मेमोरीज भूल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो इंजेक्ट करे, क्लोई अपने आप को स्टोर रूम में लॉक कर देती है और एक फर्टिलाइजर पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अब डायना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो उसे मजबूरन क्लोई को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सीन कट होकर पहुंचता है हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टर क्लोई के अंदर से सारे केमिकल्स बाहर निकाल देते हैं। उन्हें लग रहा है कि क्लोई ने खुद की जान लेने के लिए किया है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सारे केमिकल्स उसे डायना ने दिए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर डायना को बताते हैं कि कुछ दिन तक क्लोई को हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वहीं अंदर क्लोई नर्स से पेपर और पेन मांगती है कुछ लिखने के लिए, ताकि वो सच्चाई बता सके। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ लिख रही होती है, तभी नर्स को इमरजेंसी आ जाती है और उसे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद हम वहां पर डायना को देखते हैं, जो कि उसकी सारी सपोर्टिंग पाइप को निकाल रही होती है। डायना यहां पर वही करती है जो उसने 18 साल पहले किया था। वो क्लोई को व्हीलचेयर पर बैठा कर वहां से ले जाने लगती है, सबकी नजरों से छुपा कर। लेकिन उसके बीच पर एक एक्सीलरेटर आ जाता है जो कि बंद पड़ा हुआ था, तो उसने मजबूरन दूसरा रास्ता चुना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोई अपनी पूरी ताकत से व्हीलचेयर को अपने पैरों से रोक देती है। उसके पैरों में अब जान आ चुकी थी। वो हालांकि बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें डायना को सब कुछ बता रही थीं कि आज वो बचकर नहीं जा पाएगी। दूसरी ओर जब नर्स क्लोई के रूम में जाती है, तो उसे वहां पेपर पर मॉम लिखा हुआ मिलता है, तो वो समझ जाती है कि सच क्या है। वो फौरन सिक्योरिटी को उसके बारे में बताती है, जो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन डायना उन पर बंदूक तान देती है। अब गार्ड्स के बार बार कहने पर भी वो बंदूक नीचे नहीं करती, तो मजबूरन उन्हें डायना को गोली मारना पड़ता है, जिससे वो सीधा नीचे जाकर गिरती है। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ चुकी होती है, और हम देखते हैं कि क्लोई अपने असली माँ बाप को ढूंढ चुकी है, और धीरे धीरे करके वो ठीक भी होती जा रही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि डायना अब भी जिंदा है, और वो उससे मिलने डेली जाती है, पर उसका हालचाल पूछने नहीं, बल्कि उसे वही पिल्स खिलाने के लिए
जो उसे बचपन से डायना खिलाती आ रही है। क्लोई भी उसे वही दर्द और तकलीफ देना चाहती है जो उसने इतने सालों तक उसे दी थी। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि डायना भी पैरालाइज हो जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, फिल्म की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आप अगली कौन सी फिल्म की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।